स्कोर पहुंचा और ये 10 साफ पर का रन रेट टर्म डायगोनल और सामने खेलने के लिए तैयार काफी अच्छी काफी अच्छा शॉट बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जाती हुई एक ही रन से संतोष और नो नेक्स्ट टाइप अगली गेंद काफी अच्छी गेंद जय हो पीपल प्लेयर काफी अच्छी गेंद कलाइयों का उपयोग एक ही रन से संतोष काफी अच्छी गेंद मैं हूँ राजा भैया के हाई सेकेंडरी स्कूल मैदान में 13वां अंतरराज्य क्रिकेट टूर्नामेंट के मौके पर आज हमारे बीच जामा मस्जिद के इमाम साहब मौजूद हैं। पाकुल्ला खान साहब से बात करेंगे। इमाम साहब क्या कहेंगे आज के इस माहौल को देख करके? इस माहौल को देख कर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस मजमे के अंदर हिंदू मुस्लिम सब एक साथ हैं। मालिक से मेरी यही दरख्वास्त है कि मालिक इसी तरीके से जब तक दुनिया कायम रहे तो इसी तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता बनकर रहे। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है। इसके ऊपर से मैं एक अशार कह सकता हूँ कि हम दुश्मनों को ये दौलत लूटने नहीं देंगे और हिंदू मुस्लिम एकता को हम हरगिज लूटने नहीं देंगे। जी 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 जी, तो आप बहुत अच्छा फरमाया आपने यहाँ के दर्शकों को लेकर के और जो आज 13 वर्षों से दबोह में क्रिकेट टूर्नामेंट। मुझे यही टूर्नामेंट हो रहा है कि हर बच्चे को ये शौक है कुछ ना कुछ से और भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंसान हर एक चीज़ में आगे हो, लेकिन आज इंसान फालतू चीज़ों में अपने टाइम को बर्बाद कर रहा है। न वक्त पर सोता है न वक्त हर चीज़ों का एक टाइम होना चाहिए जिससे इंसान की सेहत भी सही रहे और हर कुछ ना कुछ हासिल करे जो कि आगे बढ़ने की हमेशा प्रयास करते रहो और अपने हुनर को दुनिया के सामने लाने का प्रयास करते रहो। आवाज़ थी जामा मस्जिद के इमाम साहब की और मुझे उम्मीद है सभी दर्शकों से कहा से ऐसा हिंदू मुस्लिम का एकता हमेशा बना रहे, काश ऐसा कोई जहान मिले जहाँ जहाँ सबके चेहरे पाकिस्तान के, काश मिले मंदिर में अल्लाह मस्जिद में भगवान मिले, ये दुआ करके यहाँ पर बैठी हुई है। 13वां अंतरराज्य क्रिकेट टूर्नामेंट के साथ नमस्कार।